तो लोग जरा सी बात कहने से गुस्सा आ जाते हैं, गुस्सैल, ऐसा लगता है कि पेट्रोल तो डाला ही नहीं, आग के तो पहले लपटें उठ रही हैं। बुरा हशर है इस समाज में। फिर है मोह ममता, ये माँ बेटे की, बाप बेटे की, परिवारों की, बहन भाई की या दोस्ती मित्रता की, इसमें लोग उलझे हुए हैं, पगलाए हुए हैं। इंसान गलत कर रहा है पर उसे नहीं रोकती, ये तो मेरा जानकार है, ये तो मेरा दोस्त, ये तो मेरा मित्र, ये तो मेरा रिश्तेदार, ये मेरा वो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, फला इत्यादि इत्यादि। तो किसी को गलत करता देख के उसका साथ देना, ये मोह ममता में अंधे होना है। लोग बहुत अंधे हुए पड़े हैं। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ गया, वहां बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच के लिए लोग अपने तन को बेच देते हैं, 10-10, 20-20 रुपए के लिए। ये लोभ लालच है, नाम मजबूरी का देते हैं। तो लोभ लालच में भाई भाई को खत्म कर देता है, बेटा बाप को और बाप बेटी को। बहुत जगहों पे ऐसे किस्से हकीकत में दिखने में मिलते हैं। फिर है अहंकार, बहुत तरह का अहंकार है। किसी को राज पहुंच का कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, किसी को अपनी ताकत का कि मेरे में बड़ी शक्ति है, किसी को खूबसूरती का मैं बड़ा सुंदर हूं, किसी को अपनी अकल का कि मेरे जैसा कोई अकल वाला ही पैदा नहीं हुआ, किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार, किसी को कोई तो किसी को कोई, बहुत तरह के अहंकार इस संसार में छाए हुए हैं। और अहंकारी पुरुष कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। जितना जीव अहंकार करता है उतना ही मरता है। तन गया सो गभा गया, झुक गया सो पा गया। ये तो रूहानियत की रीत है। जो इंसान दीनता नम्रता का पल्ला पकड़ लेते हैं, समाज में क्या, रूहानियत में क्या, यहाँ क्या, दोनों जहाँ में, उसको तमाम खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अहंकारी पुरुष कभी किसी की सुना नहीं करते, अहंकार में अकड़े रहते हैं, गुस्साए हुए। संत पीर फकीरों की बात भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब अहंकार जाता है मन, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का, किसी की नहीं सुनता, और की तो क्या सुननी है। आप कहीं भी निगाह मारो, लोगों में आप उसे पहचान सकते हैं कि ये इंसान अहंकारी है, घमंडी है, इसका मन हावी है, क्योंकि मन जालिम है और अहंकार उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। फिर है माया, माया के दो रूप, एक दिखता है धन दौलत जमीन जायदाद हीरे मोती लाल जवाहरात, एक दिखता नहीं है प्रत्यक्ष। दुनिया में जो सच है उसको झूठ दिखाता है और झूठ को सच। अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति सच और सच्चाई है, उसको कहेगा फजूल की बातें, फालतू की बातें। और उसके अलावा समाज में कुछ भी आप करते हैं वो सब झूठ है। एक दिन यहीं बनेगा, यहीं छोड़ के जाना होगा, सब कुछ छोड़ के जाओगे, खाली हाथ नंगे पांव जाना होगा। पर उसके लिए मन कहता नहीं, ये तेरा, उसे अपना बना ले, उसे और अपना बना ले। तो इस तरह माया मन मिलके जीव को गुमराह करते रहते हैं। और इन सातों के चक्रव्यूह से बचने के लिए जरूरी है सत्संग सुनो, सुन के अमल करो, फिर मालिक का प्यार पैदा होगा। और जो मालिक से प्यार करेंगे वो मालिक की औलाद से भी निस्वार्थ बेगरज तरीके से प्यार करना सीख जाएंगे। तो इसलिए भाई, निस्वार्थ भावना से सबसे प्यार करो, मालिक से मालिक को मांगो, वचनों पे अमल करो, फिर किसी को अंदर ना बाहर कहीं भी कोई कमी नहीं रहती।